जी नाम है तुहाडा जी? नीलम रानी, वाइफ ऑफ संजीव कुमार। मेरे पति ते जिहड़ी FIR कीती है ओह झूठी है जी, बिल्कुल कोई कलोनी दा नहीं कट्टी, कोई कलोनी दा पैसा नहीं लिया जी। जे किसी होर नाल उहनां दी देनदारी है लैणदारी उहदा सानूं कोई पता नहीं हैगा जी। सारा सानूं फसाया जा रहा जी, सारे पुलिस डिपार्टमेंट नूं, सारी मंडी नूं पता है वी झूठी FIR कीती है, पर ना तो साड़ी पुलिस प्रशासन च कोई सुनवाई है। FIR करने वेले साडे तो कोई इनकुआयरी नहीं की गई, सानू इनकुआयरी की शामिल नहीं किया गया। झूठी चट्टां दे धरने दे दबाव दे विच आके इन्हां ने FIR कीती है कि उन्होंने 15 दिन धरना लाई रखे है, उदू बाद FIR धरने दे दबाव च। जे धरने दे दबाव च प्रशासन चलने तो फिर पुलिस थाने बंद कर देने चाहिए, की लोड़ है इन्हां दी? आपे धरने लोकी देणगे ते आपदा कम्म चलाउणगे जिहड़ा आपकी मनमानियां ने। मेरी तो यही दरखास्त है कि यह झूठा परचा, जो झूठा परचा किया मेरे पति से, वह रद्द किया जाए तो दोषियों को सजा दी जाए। कि उन्होंने कोई सबूत है क्या कि उन्होंने रुपए दिते से? जो आप किसी को 5 रुपए भी 500 रुपया भी दें, वो भी अपने को स्लिप होंगी भी मैं भाई तेनों दे के गया मैं तेतों लेके गया। उन्होंने आप भी इन्ने 5-5 लाख रुपए बिना किसी सबूत को ही देते गए। जी मैंने इस बारे कोई नॉलेज नहीं, मेरे पति नूं पता हैगा ते, पर वह कहिंदे वी असीं 5-5 लाख रुपया प्लाट खाते दित्ता हैगा, पर जे कोई बयाना हुंदा तां कोई लिस्ट पढ़ता हुंदी ओह, मैनूं बिजनेस बारे नहीं नॉलेज, पर लिस्ट हुंदी होवे। जसपाल नूं ही दित्ते है जी, साडियां किताबां च कोई एंट्री नहीं। जे दित्ते तां जसपाल नूं दित्ते, साडे ओह सारे प्लॉट है जिहड़े ओह कल्ले जसपाल दे आड़तीआं नहीं, क्यों बुकिंग कीती मंडी च नहीं किसी ने कीती, साडे किसी आड़तीए ने नहीं कीती हैगी, सारे उस दे आड़तीए ने बुकिंग कीती हैगी। ये सारी मनघट कहानी बनाई है उन्होंने, कहा कि मेरे नंदोई जी बरनाले वह कोल बैठे सी, मेरे गेट है जी बठिंडे वह कोल बैठा सी, एक साडा मंडी चो है जी दोस्त वह कोल बैठा सी, कि वह सारा दिन कोल ही बैठे रहिंदे सी, उन्हां दा आपदा कोई कम कार नहीं सीगा। मेरे नंदोई जी तो फंक्शन ते भी मसा आंदे आ 2 घंटे दुकान ते बैठन लई, तां उन्हां कोल कित्थों टाइम होऊ? और मेरे गेट का भी 18 सालों तो बठिंडे कारोबार हैगा, वह भी किसी दुख सुख च ही आते हैगे। सारी मंडी दे इस गल की गवाह है, कोई कलोनी नहीं कट्टी हैगी जी, साढ़े तो झूठा परचा बनाया पुलिस प्रशासन ने, सानू झूठा फसाया। देन लैन है वह सारा जसपाल सिंह नाल है जी, सानू तो सिर्फ इस करके फसाया जा रहा है कि असी बाणीए हैं महाजन है भी, डर के सानू कुछ दे देंगे, पर साडा उन्होंने किसी किस्म का 1 पंजी का भी देन लैन नहीं, सिर्फ बाणिया होने करके सानू फसाया जा रहा है, होर कोई गल नहीं हैगी जी। झूठी मन कर इन्हां ने कलोनी की कहानी बनाई है, पहला यूनियन एफीडेविट दिते सी वी असीं जसपाल दे कोल आपदी आड़ते पैसे जमा करते सीगे, ते ओह साडे उहदे कोल जमे गए, साडे हुण दे नहीं रहा, असीं जसपाल तों लैणे हैगे। तां 1.5 साल बाद जदों उन्हां नूं लग्गिया वी जसपाल तों तां रिकवरी हो नहीं सकदी गी, तां उन्हां ने कलोनी का झूठी मन कर कहानी बना के तां मेरे पति संजीव कुमार ते FIR झूठी FIR करवा हिसाब के विच भी साडा जसपाल वाल पैसा निकलता है, उहदा साडे वाल कुछ नहीं हैगा गा। जिहड़े जिमीदार कहिंदे आ कि असीं प्लाटां लई रुपए दित्ते हैगे, उह कोई स्टाम्प पेपर ते कोई बयाना दिखाण, कोई चैक राही उहनां ने पेमेंट कीती है, साडे किताबां च एंट्री दिखाण, तां ही इह हो सकदा कि असीं पैसे लए हैगे। इस तरह दा उहनां दे कोल कोई सबूत नहीं, सारी मनघड़त कहानी बनाई है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਜੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੱਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਜੋ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬੀਰਵਾਲਾ ਉਰਫ ਬੀਰਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਰ ਥਾਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰ DSP ਸਾਹਿਬ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।